है, पारसी समाज, इन सबसे गुजारिश करता हूं कि इस भयानक व्यवस्था को आप समझिए। नुकसान आपका बहुत है, मुसलमान तो है वैसे भी 15-16% जो होगा, लेकिन इसके व्यवसाय कौन से है? यह व्यवसाय को तुम छू नहीं सकते या ये व्यवसाय कोई छीन नहीं सकता। जैसे पंचर की दुकान है, आप थोड़ी छीन पाओगे। मुसलमानों को कितना भी मारा जाएगा फिर भी आपकी गाड़ी पंचर होगी तो दुरुस्त करने वाला तो मुसलमान ही, आप जाओगे तो उसी के पास, तो उसको रोजी रोटी मिलनी है। रिपेयरिंग का सेक्टर जो है ये कोई छीन नहीं सकता उससे। वेल्डिंग का सेक्टर है ये कोई छीन नहीं सकता उससे। मोटर रिवाइंडिंग का सेक्टर है ये कोई छीन नहीं सकता उससे, क्योंकि इतना बड़ा 130 करोड़ का देश, इसमें मोटरें तो खराब होगी, इसमें इंजन तो खराब होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी तो फ्यूज होगी, इसमें तो वायर जलेगा, इसमें तो फ्रिज खराब होगा, इसमें तो वॉशिंग मशीन खराब होगी, इसमें तो आपका मिक्सर खराब होगा, मोटरसाइकिल आपकी खराब होगी, आपका ट्रैक्टर खराब होगा, आपको चिकन खाने का मूड होगा, आपको सस्ती बिरयानी खाने का मूड होगा, आपको सस्ते कपड़े लेने का मूड होगा, आपको बढ़िया कारागिरी अपने घर में करने का मूड होगा, है ना, आपको पीओपी करनी होगी, आपको टाइल्स बिठाने होंगे, आपको दरवाजे बिठाने होंगे। ये सब सेक्टर में मुस्लिम बहुसंख्यक है और ये सेक्टर उससे छीना नहीं जा सकता, क्योंकि यहां दिमाग से ज्यादा पसीने का काम है, मेहनत का काम है, और ये मेहनत का काम मुसलमान करता है। इसलिए सरकारी नौकरियां तो छीन गई उससे, उससे बड़ा इकोनॉमिकल सेक्टर तो छीन गया है। अब ये बड़े इकोनॉमिकल सेक्टर में, बड़े प्रशासकीय सेक्टर में, गवर्नमेंट के सेक्टर में जो संघर्ष चल रहा है वो अगड़े हिंदू वर्सेस पिछड़े हिंदुओं का चल रहा है। लेकिन अगड़े हिंदू पिछले हिंदू को अधिकार और भागीदारी न देने के लिए बीच में मुसलमानों को डालकर दिखाते रहते हैं कि पिछड़े हिंदुओं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान है। अरे मुसलमानों के पास में नौकरियां नहीं है और वो किसी ऐसे अधिकार के पोस्ट में नहीं है कि हिंदुओं की नौकरियां नकार सके, वो ऐसे बैंकिंग पोजिशन में नहीं है कि हिंदुओं का लोन नकार सके, वो ऐसे कमांडिंग पोजीशन में नहीं है क्या पुलिस में मिलिट्री में हिंदुओं का प्रवेश रोक सके, वो ऐसा एजुकेशनल सेक्टर में भी नहीं है कि वो हिंदू समाज के लोगों को कहे कि तुमको टीचर प्रोफेसर करके नहीं लेते, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं है कि हिंदू डॉक्टर को कहे कि तुझे कुछ नहीं मिलता चल जा, वो कृषि क्षेत्र में नहीं है कि किसानों को बोलेगा ए तुम हिंदू किसान हो तुमको कुछ नहीं मिलता आत्महत्या करो। सारा क्या सारा सिस्टम ये मनुवाद के मुट्ठीवर लोगों के हाथ में है और वही पूरे शोषण के लिए जिम्मेदार है। लेकिन निशाना कौन? मुसलमान। तो मुसलमान का ज्यादा नुकसान नहीं है, नुकसान मेरे हिंदू भाई का है। और ये हिंदू अगड़े वर्णवाद के वर्ण सृष्टि और वर्णवाद में पिछड़े हुए शूद्र मेरे हिंदू भाई, इनका जो संघर्ष है इसके बीच में मुसलमानों को जबरदस्ती डालकर उनको विलन बनाकर पिछड़े हिंदुओं का शोषण किया जा रहा है। इससे इस समाज में बड़ा प्रॉब्लम 2019 में दिखाई देता है कि अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। यह अर्थव्यवस्था तहस नहस होने की वजह भी यही संघर्ष है। यह संघर्ष से ग्रामीण क्षेत्र का रोलिंग रुक जाता है। मॉब लिंचिंग से केवल एक आदमी की मौत नहीं होती है, वो पूरा एरिया दहशत में आता है। बैल बाजार खत्म हो गए, बैल बाजार ठप हो गए। ये बैल बाजार केवल मुसलमानों के नहीं थे, कुनबी और किसानों की अर्थव्यवस्था इस बैल बाजार पर चलती थी। आज पूरे साल में गोवंश जो खेती के काम का नहीं होता है उसका 30-35% निकालना पड़ता है मार्केट में। ये 30-35% जो मेरे किसान भाई है हिंदू भाई, उनका वो गोवंश है जो खेती के काम का नहीं है, उसे बेचकर ही वो नए खेती के उपयोग में आने वाले जानवरों को खरीदता है। लेकिन वो पूरा क्या पूरा मार्केट ठप पड़ा है। जो चमड़ा 700-800 रुपए में जाता था आज 20 रुपए में भी कोई नहीं लेता है। आज कुर्बानी के बाद में मुसलमानों ने पूरे चमड़े दफना दिए, लेकिन मरा कौन? मुसलमान नहीं मरा, मरा मेरा माजगी भाई जो सस्ते चप्पल बनाता था, मेरा चमार भाई, मेरा मोची भाई मरा। ये सारे हिंदू फोल्ड में आते हैं। तो समझ लीजिए, इस देश में मुसलमानों पर अगर मुट्ठी भर मनुवादी हिंदुत्ववादी हमले करते हैं और आप इसको नहीं समझते हो और आप भी मुसलमानों को दुश्मन की नजर से देखते हो या उनको बचाने के लिए नहीं आते हो, आप मॉब लिंचिंग में और मुसलमानों पे होने वाले हमलों के बीच अगर मुखदर्शक बने रहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि भारतीय संविधान में जो हक और अधिकार की बात तमाम पिछड़ों के लिए की गई है उसका भुगतान सबसे ज्यादा मेरा हिंदू भाई भुगतेगा। मुसलमान तो भुगतेगा, वो भुगत रहा है। पिछले 73 साल में अगर आप देखें तो जेलों में सड़ा, 73 साल में आप देखोगे तो दंगों में मरा, 73 साल में आप देखोगे तो शक की बुनियाद पे 10-10, 15-15 साल जेलों में गवाए, शक की बुनियाद पे आप देखोगे तो कहीं नौकरी में नहीं है, कहीं बैंक में लोन नहीं मिलते, मरा नहीं, जिंदा है। क्यों? क्या वो पसीना बहाना जानता है, वो मेहनत करना जानता है। और जिस बिजनेस सेक्टर में यह है, अरे भंगार की दुकान से उठे उसे क्या हटा पाओगे?
तुम लगाना चाहते हो भंगार की दुकान, लगाइए। तुम गली गली घूमकर ब्रेड बेचना चाहते हो, बेचिए। तुम गली गली घूमकर रद्दी जमा करना चाहते हो, कीजिए। तुम रिक्शा खींचना चाहते हो, खींचिए। तुम ऑटो में पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो, बिताइए। तुम बाटले जमा करके उसमें से रोजी रोटी कमाना चाहते हो, कमाइए। मुसलमान मेहनत पे जीता है, और मेहनत पे जीने के वजह से वो बाकी सेक्टर में नहीं है, वो ऐसे शोषणवादी सेक्टर में नहीं है जहां हिंदू भाई का शोषण हो। इसके बावजूद भी एक खेल कि हिंदुओं के पिछड़ेपन के लिए मुसलमान जवाबदार, इस देश के लिए मुसलमान जिम्मेदार, ये बात के लिए मुसलमान जिम्मेदार, वो बात के लिए मुसलमान जिम्मेदार। मेरे हिंदू भाई होशियार हो जा, वरना महात्मा ज्योतिबा फुले शाहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने तुम्हारे लिए जो काम किया है वो काम ये मुट्ठी भर वर्णवादी लोग बर्बाद कर देंगे, और तुम फिर पेशवाई के गुलामी में आने वाले 500 600 ना जाने कितने सालों तक फिर लपेटे रहोगे। इसलिए सावधान हो जाइए। धन्यवाद।